Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to our channel. तो आज है पहला रोज़ा, तो हमने सहरी कर लिया है. आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक. और टाइम है अभी 5:15 को है सहरी का टाइम. अभी टाइम हुआ है 4:40 और हम दोनों ने सहरी अभी किया है, जल मतलब 2-3 मिनट हुआ है. आप सभी को रमज़ान मुबारक, पहली सहरी मुबारक. तो देखिए एक साल कैसे गुजर गया और अल्लाह वापस आ गया है. हम लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हम सभी को रमज़ान नसीब करवाया. ये महीना हमको नसीब करवाया, तो बहुत सारी इबादतें करें, दुआ हमें याद रखें और इंशाल्लाह और ऐसे ब्लॉग्स आएंगे रमज़ान में, बहुत सारी दुआएँ शेयर करेंगे हम लोग, बताएँगे. आप भी हमारे साथ दुआएँ शेयर कीजिए, कुछ हदीसें शेयर कीजिए. खाने पीने का भी बहुत ब्लॉग्स आने वाला है, तो सभी का कुछ ना कुछ नया ट्राई करें. हाँ, तो कुछ रेसिपी नया ट्राई करूँगी तो वो दिखा दूँगी आप लोगों को. रमज़ान का महीना तो थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ी इबादत, थोड़ी बरकत का महीना है. तो और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स मतलब एक महीने के लिए नहीं आएगा और कहीं अभी तो जाना नहीं होगा क्योंकि रमज़ान है. तो रमज़ान के बाद देखेंगे. और यहाँ पे नया सो रही है, इन दोनों का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम. तो आयान को भी अभी, आयान भी अभी रोज़ा नहीं रखेगा कुछ दिन, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रखेगा. वो बोल रहा था, मैं बोला नहीं अभी एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, क्योंकि फ़िलहाल बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. तो इसकी वजह से हमने बोला नहीं, गर्मी की वजह से अभी पानी का भी हमें प्रॉब्लम चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे. तो ये देखिए कैसे सो रहा है, यहाँ पे सोता है, यहाँ से वहाँ पहुँच गया है. गर्मी बहुत है, दरवाज़ा खोल के रखा है. अभी टाइम है और आधा घंटा है, तो नमाज पढ़ के सोएंगे. तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से दिन में. 3 hours later. यहाँ पे आयान अपना बस का वेट कर रहा है, तो आयान अभी जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद इनाया जाएगी. और आयान का कल से फाइनल एग्ज़ाम है और इनाया का और 3 एग्ज़ाम है, उसके बाद इनाया का ख़त्म और आयान का थोड़ा टाइम है अभी ख़त्म होने में, क्योंकि आयान का तो कल से स्टार्ट होगा. 3 hours later. तो यहाँ पे इनाया स्कूल से आ गई है 12 बजने में, अभी उसे 15 मिनट बाकी है, तो उसे भूख लग रहा था तो इसलिए ये बिस्किट और जूस खा रही है. और स्कूल से ये मिला है गिफ्ट, जो बच्चे मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से लिखते हैं ना कुछ छोटा एक गिफ्ट देता है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, तो एक अच्छा है. तो इसके वजह से और किसी फ्रेंड ने मतलब इसके मतलब जो टॉय दिया है ना गिफ्ट, तो उसने मुँह में रख के बजा दिया है, सीटी जैसा आवाज़ आता है ना वो विसल जैसा, तो इसलिए बोल रही है झूठा है, इसलिए मैं नहीं मतलब बजाऊंगी. तो इसलिए तो घर का काम सब हो गया है, सिर्फ नहाना है. तो इनाया को पहले नहलाऊंगी फिर मैं नहाऊंगी. 3 hours later. तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, इफ्तार का टाइम हो गया है, तो इफ्तार की मतलब तैयारी कर रही हूँ. तो आज कुछ रेसिपी नहीं बताऊँगी मतलब आज थोड़ा टाइम नहीं हुआ वीडियो अपलोड मतलब बनाने के लिए, टाइम नहीं हुआ नहीं मतलब भूल गई हूँ इसीलिए. तो आज इफ्तार में था समोसा और चिकन पुलाव जैसा बनाया था सिंपल, और बस यही सिंपल था, और फ्रूट्स थे और जूस. और यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया था तो इसलिए सब लोग दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे अल्लाह से. तो हम लोग भी अजान का वेट कर रहे थे, फिर इफ्तार करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे. नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार. और इफ्तार के बाद मतलब जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो सिर्फ चाय लवर ही जान सकते हैं. तो यहाँ पे हम दोनों चाय पी रहे हैं और साथ में मैंने चना बनाया था, काले चने, तो वही खा रहे थे. और इना यहाँ पे पढ़ रही थी क्योंकि कल है एग्ज़ाम में उसका मैथ्स, तो यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है. और आयान उस रूम में पढ़ रहा है, तो आयान को फर्स्ट है कल एग्ज़ाम इंग्लिश और इनाया का है मैथ्स. तो बस बर्तन धोना है इफ्तारी के बाद, तो औरत का बस हालत ख़राब हो जाता है, बर्तन ही बर्तन. तो वो करने के बाद बच्चों को पहले पढ़ा लूँगी, फिर बर्तन धोऊँगी, फिर जाके नमाज़ पढ़ूँगी तरावी, मतलब पहले ईसा पढ़ूँगी उसके बाद तरावी पढ़ूँगी. शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार.
तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं ऐसे मैट स्टिक रख लेती हूँ तरावी नमाज पढ़ने के लिए, 10 स्टिक, क्योंकि 20 रकात होते हैं ना, तो इसलिए। तो उसके बाद कुरान भी पढ़ना है, क्योंकि कुरान भी ख़त्म देना है रमज़ान के महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 7 पारे में हूँ, और मतलब मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दिया था रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, इसीलिए। तो बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो इसीलिए। तो और अभी टाइम हो गया है बच्चों का सोने का, तो आयान यहाँ पे सो रहा है। और आपको पता ही है हस्बैंड का ऑफिस का काम, मतलब घर से ही वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो इसलिए अभी वो घर में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। जिस दिन छुट्टी होंगे उस दिन मस्जिद जाएंगे। और इन्हें यहाँ पे नाटक कर रही है, देखिए कैमरा ऑन होते ही ये नाटक कर रही है जैसे सो गई है, पर सोई नहीं है, एक्टिंग कर रही है। और कल के एग्ज़ाम के लिए मैं, परसों के एग्ज़ाम के लिए आयान का पेपर रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे डेस्क बजने वाला है अभी। तो आज बहुत दिनों के बाद ये पहला मतलब वीडियो था, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो आया है। तो कल से कोशिश करूँगी थोड़ा सा और लंबा वीडियो हो, और साथ में मतलब कुछ कुकिंग का रेसिपी होगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो आज मैं भूल भी गई थी कि वीडियो भी अपलोड करना है, तो रिकॉर्डिंग करना है, तो इसलिए यही हो गया। तो मिलती हूँ मैं कल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमारे लिए भी खास करके दुआ कीजिए, और हम सब भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो मिलती हूँ मैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।